आज हम बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, वीट एंड स्पिनच वॉफल्स। हमारी ये रेसिपी को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम रेसिपी बनाने से पहले हम इसको मशीन को तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे दोनों साइड पे और हम इसको बंद कर देंगे। जब तक कि ये ग्रीन लाइट बंद नहीं होती हमने इसको ऑन रखना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं स्पिनच पेस्ट। पालक को उबाल के उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में चला के इसका पेस्ट तैयार कर लें। और अबाउट 1/4 कप पालक का पेस्ट, अबाउट 1/4 कप आटा, अनियन बारीक कटा हुआ प्याज, एंड दिस इज गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट एंड गार्लिक पेस्ट अबाउट 1/2 teaspoon ईच, और चिली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चिली अगर आपको ज्यादा पसंद है तो थोड़ी ज्यादा रख लीजिए, अगर कम है तो आप कम कर सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं, मेरे हिसाब से आप 1/2 teaspoon तक डाल दें। और बेकिंग पाउडर ये अबाउट 1 teaspoon डालना है हमें। ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर 1/4 teaspoon। ये इंग्रेडिएंट्स हमने सब डाल दिए हैं इसमें। मिल्क टू मेक द बैटर, बैटर बनाने के लिए दूध डालना है इसमें और हम इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो ये रेसिपी आप मैदे से भी बना सकते हैं, मगर मैं आपको हेल्दी वॉफल सिखा रही हूँ तो आप इसको आटे से बनाएंगे तो बेटर रहेगा। चाहे तो आप इसमें ओट का पाउडर बना के भी डाल सकते हो और हेल्दी वॉफल्स तैयार हो जाएंगे। ओट को आप थोड़ा मिक्सी में चला के इसमें डाल देंगे और उतना ही लेस कर देंगे हम आटा, और मिक्स इट इन वन डायरेक्शन। खूब अच्छे से हम इसको फेंट देते हैं और इसका बैटर जो है मिक्सचर का वो केक के बैटर की तरह होना चाहिए। बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको डालेंगे, ये मशीन हमारी गर्म हो गई है, अब हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं वॉफल को और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इसको सेंटर में डाल के फिर आप इसको स्प्रेड कर दें। और ये जरूरी है कि आपकी मशीन जो है गर्म होनी चाहिए। जब आपका ये हम इसको बंद कर देंगे मशीन को, उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं खोलना है मशीन को जब तक कि ये लाइट इसकी जो है रेड लाइट बंद ना हो जाए। अगर आप इन बिटवीन इसको मशीन को खोल दोगे तो आपके वॉफल्स जो है वो सब बेकार हो जाएंगे, हाफ अ पोर्शन हो जाएगा उसका। रेसिपी जो है इसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं इसको। या तो फिर आप इसमें मेल्टेड बटर भी लगा सकते हो और इसको फिर से बंद कर देंगे। और इस साइड पे भी हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं ताकि वो ड्राई ना लगे, और इसको फिर से थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। अब ये रेसिपी बन गई है हमारे। आप इसमें हल्का सा बटर मेल्ट करके लगा दो और इसको हम काट के सर्व करेंगे। आप चाहे तो डिप्स के साथ सर्व करिए, चाहे तो आप इसको टमाटो केचप के साथ सर्व करिए। और हम इसको लगा देते हैं डिश में। यह हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, स्पिनच वॉफल्स। रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई है, उम्मीद आपको बहुत पसंद आएगी और प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।